पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अपनी पार्टी का, अपनी लीडरशिप का, अपने उन मेंबरान का, उन वोटर्स का जिन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे वोट से नवाजा, पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अहल समझा कि मैं सेनेट में सिंध की नुमाइंदगी कर सकूँगा। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और हमेशा चाहे हुकूमत हो चाहे ना हो हमेशा जद्दोजहद में रहते हैं, अपनी आवाज़ को आवाज़ की अहमियत गिनाते रहते हैं। यही हमारा तौर तरीका हमेशा रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सीएम साहब, सीएम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो साहब को निसार अहमद खोड़ो साहब की सेनेट में इलेक्शन पे मुबारकबाद देता हूँ। ये मुबारकबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे वर्कर्स, सारे वोटर्स और इस पाकिस्तान के लोगों के लिए। निसार साहब एक बहुत ही मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं और मुझे पूरा यकीन है कि सेनेट में जाके निसार साहब सूबा सिंध के लोगों की और अपने वोटर्स की जो सूबा असम्बली के मेंबरान हैं उनकी नुमाइंदगी करेंगे। इसके साथ साथ आज मैं जो 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की थी जिसका कल इख्तिताम हुआ इस्लामाबाद में डी चौक पे एक अजीमुशान जलसे के साथ, उसकी कामयाबी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को मुबारकबाद दिल से देता हूँ। ऐसी मूवमेंट अनप्रेसिडेंटेड थी। आप में से काफ़ी दोस्त हमारे साथ भी चलते रहे और आपने देखा होगा कि जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुजरे हैं वहाँ से लोगों का हजूम उनको वेलकम करने आया है और उनमें से कई हज़ारों लोग उनके साथ इस्लामाबाद तक चले हैं। और बिलावल साहब ने ये पैगाम लोगों का, इसलिए कि बिलावल साहब खुद लोगों के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो नाअहल सिलेक्टेड बेहिस वज़ीर आज़म है जिसने इस मुल्क के लोगों का जीना दुबाला कर दिया है, इस वज़ीर आज़म को जल्द से जल्द निकालना है। और उसका रिज़ल्ट आपने देखा कल कौमी असम्बली में अदम एतमाद की वज़ीर आज़म पर करारदाद पेश हो गई और मुझे पूरा यकीन है कि वो सारे कौमी असम्बली के मेंबरान जो अवाम की तरफ वोटों की तरफ अवाम के वोटों की तरफ देखते हैं उन्होंने अवाम की आवाज़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ज़रिए सुन ली होगी और वो इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो पिछले 3.5 साल का काला दौर इस मुल्क में चला है जिसमें गरीब को और गरीब कर दिया है, लोगों से नौकरियां छीन ली हैं, लोगों के घरों से छतें छीन ली हैं, वो दौर अब जल्द ख़त्म होगा और इस मुल्क को हमें अपना पाकिस्तान वापस मिलेगा जो हमें किसी और चक्कर में इन्होंने लगा दिया था। तो मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को मुबारकबाद देता हूं और निसार साहब तो आज इलेक्ट हुए। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं सिर्फ आपसे एक अर्ज करना चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले आया था कि अगर मैं बच गया तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। भाई तुझे खुली इजाजत है, जो करना है कर, अभी कर, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो करना है आप कर ले 2-4 दिनों में, बाद में मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। वो कहते हैं ना पटे वालों सटे थे को नहीं दो, हम सिंधी में कहते हैं घंटी बजाएगा तो पटे वाला भी नहीं आएगा। इस हालत में आज भी आपने देख लिया, हमने किसी को नहीं कहा था, हमने किसी को नहीं कहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए, आज आपको पता है, आपको पता होगा 4 PTI के मेंबरान ने उन्हें वोट दिया। तो जब हमने कहे बगैर
ये चार पीटीआई के मेंबरान इमरान खान से नाराजगी पे, लेकिन इमरान खान ने जो इस मुल्क के लोगों का हाल किया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमएनएस की क्या पोजीशन होगी उधर जो बैठे हैं। तो इंशाल्लाह ताला, और जो आज मैं इधर बिजी था लेकिन वो कुछ टिकट देख रहा था, तो आपने कहा ना रिवायती अंदाज में ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दूसरी जान जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।